नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें हरियाणा में एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ सामना सवालों का में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। विनोद जी एक ऐसा व्यक्तित्व तो हैं जो बदलाव की मिसाल माने जाते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व तो हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की सदैव वकालत की है। विनोद जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी आपने एक मुहिम चलाई थी हरियाणा में, हरियाणा के बाहर भी रहते हुए, कि हरियाणा के लोगों को 10% रिजर्वेशन मिले, उनको जो सामान्य जाति से हैं जिन्हें कोई रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं किंतु वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो आज मोदी सरकार ने भी इसको लेकर के एक प्रस्ताव पास किया और होने के बाद में आज अमल में आने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करते हैं? ये अच्छा फैसला है। ये भी सही है कि जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भले ही वो किसी भी समाज से संबंधित हो, उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पर्सनल जी। राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत से लोगों के साथ मुलाकात हुई जी। और मैंने देखा कि बहुत से लोग उन परिवारों से संबंधित हैं जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है जी। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जमीन नहीं है जी। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाते हैं जी। जितनी कि उनमें क्षमता है उसी हिसाब से। लेकिन जब सवाल आता है नौकरी का जी, तो वो पिछड़ जाते हैं, वंचित रह जाते हैं जी। और उनके मन में भी एक प्रश्न पैदा होता है जी, कि हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलती जी। उसको सामने रखते हुए हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था जी, कि जो परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भले ही वो किसी भी समुदाय से संबंधित हों, किसी भी समाज से संबंधित हों, उनके बच्चों को हक मिलना चाहिए जी, ताकि वो भी नौकरी पा सकें जी, और साथ ही उनके परिवार में खुशियां आए, उनका परिवार भी संपन्न हो जाए। आपने क्या कुछ ऐसे परिवारों के दर्द को समझा था, उन्हें देखा था, कैसे मन में विचार आया कि इनके लिए संघर्ष किया जाए? मेरे से एक पानीपत के गांव से परिवार मिलने आया, एक सामान्य परिवार था, सामान्य वर्ग से था जी। उस व्यक्ति के पांव में जूते नहीं थे और उसने आके ये कहा कि शर्मा जी, तीन बेटियां हैं मेरी जी, एक बेटा है जी, बड़ा परिवार है, जमीन नहीं है जी, और हम लोग किसी के खेत में काम करके गुजारा करते हैं, या कभी थोड़ी बहुत जमीन लेके बटाई पे उसको जोतते हैं जी। और हमारे अगर परिवार में नौकरी होती जी, तो हमारा परिवार भी संपन्न होता। आज मुझे ये मुश्किल नजर आ रही है जी, कि मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा जी। तो मैंने महसूस किया कि ये एक विडंबना है कि किसी परिवार में आर्थिक रूप से पिछड़ापन है लेकिन सामान्य वर्ग से वो परिवार है जी, फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है जी। तो मैंने उसी वक्त ये फैसला किया कि हम इसका संघर्ष करेंगे कि उन लोगों को भी हक मिलना चाहिए जो गरीब हैं, उनको उठने का मौका तो मिले जी। जब आपने हरियाणा विधानसभा में इसको लेकर के प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसके बाद में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया और इस पर अमल हुआ, आपको कितना संतोष मिला था जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गईं? आज आप 6000 से अधिक नौकरियां दिलवा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस हुआ, परंतु नोटिफिकेशन होने के बाद कोई 432 मीटिंगें मैंने पूरे हरियाणा में की जी, महज इसलिए कि लोगों को बता सकें
अब समय आया है आप अपने सर्टिफिकेट बनवाइए। नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए ये जरूरी था कि परिवार के बारे में तहसीलदार से या एसटीएम से एक सर्टिफिकेट हो जिसमें लिखा हो कि ये इस वर्ग से संबंधित है, इस समाज से संबंधित है और इसकी आमदनी जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इस परिवार में कोई और व्यक्ति नौकरी पर नहीं है और इसकी जमीन जो है 2.5 एकड़ से कम है जी। और जब ये सर्टिफिकेट मिलता तो उसी सर्टिफिकेट की बिना पे आप अप्लाई कर सकते थे। तो जागरूक करने के लिए लोगों को हमने इतनी मीटिंग की 432 के करीब हरियाणा के हर जिले में ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें। उसका असर धीरे धीरे होना शुरू हुआ जी। पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है जी। फिर जब कुछ नौकरियां मिली तो उनको विश्वास हुआ जी। फिर उसके बाद मतवातर नौकरियां मिली हैं जी। आज के दिन में पूरे हरियाणा में लोगों को पता था कि जो 10% आरक्षण है जी। वो शिक्षा संस्थानों में भी जी। और सरकारी नौकरियों में भी मिलेगा जी। और जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको उनकी लियाकत के हिसाब से 10% आरक्षण के तहत नौकरियां मिली हैं जी। जब आपने नोटिफिकेशन करा दिया, नौकरियां मिलने की स्थिति आ गई, कुछ लोग निगेटिव सोच के होते हैं जैसे तो वो कोर्ट चले गए, उसके बाद में जब रुका, आज मोदी सरकार ने संवैधानिक परिवर्तन कराने की संशोधन कराया है और ऐसी स्थिति में आपको कितना वो महसूस होता है कि यह जो आपने कराया था वह पूरी तरीके से सफल रहेगा, उसे एक बल मिलेगा, क्या महसूस करते हैं? ये जो स्टे था कोर्ट से प्राइमरीली दिस वाज फॉर एडमिशन टू ए मेडिकल कॉलेज। किसी विद्यार्थी ने हाई कोर्ट में ये रिट डाली थी कि मेरा हक बनता था एडमिशन का जी। लेकिन क्योंकि ये 10% आरक्षण है इसकी वजह से किसी दूसरे को एडमिशन मिली है जी। वो केस चल रहा था जी। तो उसके ऊपर स्टे था एडमिशन के ऊपर, लेकिन फिर भी जो लोगों की इस 10% के तहत इंटरव्यू हो चुकी थी, प्रोसेस हो चुका था, उन लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिली हैं बाद में जी। अब जो नया कानून बना है जो अभी पास हुआ है विधान राज्यसभा और लोकसभा में, उसके पास होने के बाद ये पूरे देश में लागू होगा जी। तो ये जो अड़चन थी इसमें खत्म हो जाएगी और ये पूरे देश में लागू होगा, तो हरियाणा में भी इसका असर रहेगा, हरियाणा में इसका लाभ मिलेगा जी। हरियाणा में इसका लाभ मिलेगा। आप इस चीज को लेकर के, आपने इस विचार के साथ में जब ये किया था तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े का जो मसला था उसमें आपने 2.5 लाख की लिमिट रखी थी, 2.5 लाख की लिमिट के आधार पे जो 5 साल पहले आपने रखी थी, उसके बबाद में आज मोदी सरकार ने जो किया है वो 8 लाख की लिमिट है। ऐसी स्थिति में आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है कि सब इतनी चूंकि आर्थिक रूप से जो भी 8 लाख की आय वाला है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, ऐसी स्थिति में उसको वो फायदा नहीं मिलना चाहिए, यह कहते हुए एक रिट फाइल हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं लगता है कि कहीं मोदी सरकार ने या किसी ने भी इसको सिर्फ सियासी फायदे के लिए किया है? यदि किया होता नहीं तो कम दायरे में रखते? देखिए, कोई भी कार्य जो किया जाता है जिससे संभावना होती है कि किसी राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा हो सकता है जी। तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसका संज्ञान ऐसे ही लेती हैं जी। अब कोई अच्छा कार्य इसलिए ना किया जाए कि कोई दूसरा कहेगा कि आपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, तो ये तो ठीक नहीं है। काम तो अच्छा है जी। इसके बारे में तो कोई राय नहीं, पास किया है, पास होने में सभी पार्टियों ने समर्थन दिया है, तो समर्थन कोई भी पार्टी तब देती है जब महसूस करती है कि जिसके लिए हम समर्थन दे रहे हैं वो एक अच्छा कार्य है, इससे भला होगा। तो इसलिए ये देखा जाए कि बेसिकली द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज टू गिव जॉब्स टू द पीपल हु हैव बीन डिप्राइव्ड, जिनको पहले वंचित रहे हैं उनको जॉब्स मिले। और आपका जो प्रश्न 8 लाख के बारे में है, पिछले 5-6 वर्षों में जिस तरह से इंडेक्स बढ़ा है जी, तो हमेशा के लिए 2.5 लाख तो इनकम रह नहीं सकती। 2.5 लाख का मतलब 20,000 रुपये महीना,
तो 20,000 रुपये महीना बहुत कम इनकम है मैं मानता हूं। इससे एक फायदा होगा कि 8 लाख रुपया जो रखा गया है ये अच्छा होता कि अगर इसको और भी कम रखा जाता, लेकिन 8 लाख रुपया वार्षिक इनकम जो है वो मध्यम परिवारों की है, लेट से 60,000 पे 65,000 पे महीना, तो मध्यम परिवारों की है, तो इसका दायरा बड़ा है। जहां कहीं कम लोग आने वाले थे तो बहुत ज्यादा लोग परसेंटेज में आएंगे। एक जरूर है कि इसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि जो सही मायनों में इसके हकदार हैं, वाकई में ही उस आर्थिक स्थिति में हैं, गरीब हैं, कहीं वो वंचित ना रह जाएं, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। विनोद जी कहते हैं कि एक अच्छी पहल है और अच्छी पहल का समर्थन होना चाहिए, कहीं जाइएगा मत। वक्त हो चुका है ब्रेक का, अभी आपके और से सवालों का जवाब देंगे विनोद शर्मा जी। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं हरियाणा के कद्दावर सियासी व्यक्तित्व विनोद शर्मा। विनोद जी, एक चीज हर बार कही जाती है कि आपका एक हर बार एक नारा होता है कि हर घर खुशहाल, हर घर रोजगार, तो ये नारा आप किस बिना पर देते हैं? ये तो सच्चाई है, जिस घर में रोजगार होगा उसमें खुशहाली भी होगी, जिस घर में रोजगार नहीं है तो खुशहाली कहां से आएगी। तो हमारी उम्मीद भी है, हम इस तरफ प्रयास भी है कि अगर हम कुछ कर सकें तो हर घर में रोजगार होने से घर में खुशहाली आती है। तो रोजगार में सरकार एक तरफ कह रही है हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं है और चीजें नहीं है, उतने संसाधन नहीं, ऐसी स्थिति में कैसे हर घर को रोजगार मिल पाएगा, उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? आप सोचते हर घर में रोजगार सरकारी नौकरी से नहीं मिल सकता, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी कि इस तरह के कार्य किए जाएं जिससे रोजगार के साधन पैदा हों। हर किस्म के लोग हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। और आज स्किल डेवलपमेंट का जो समय है, बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको अगर सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो कम समय में बच्चों को उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, 6 महीने में भी दी जा सकती है, 1 साल में भी दी जा सकती है जी। तो उन नौकरियों को की जरूरत जो है और जो वो नौकरियां उपलब्ध हैं, अगर सही मायनों में मंशा ठीक हो तो बहुत से बच्चों को नौकरियां और रोजगार मिल सकता है। और जैसे अगर डेवलपमेंट स्टेट की होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, व्यापार में बढ़ावा बनता है, कई इदारे खुलते हैं, तो हर जगह पर देखने को मिलता है कि बहुत सारा लोगों की जरूरत पड़ेगी। विनोद जी का कहना है कि अच्छी सोच होनी चाहिए। ये सोच की जब बात आती है तो आपने एक और पहल की थी हरियाणा में, एक लड़ाई लड़ी थी कि साक्षात्कार विहीन नौकरियां होनी चाहिए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कम से कम साक्षात्कार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद में भी एक सीमा तक चीजों को होना चाहिए, इसकी आपने लड़ाई लड़ी थी, हरियाणा सरकार ने उसको माना भी। वो लड़ाई जो आपने कांग्रेस रिजीम में शुरू की जी, तो वो उसमें उस पे आप क्या कहते हैं, आप कितना क्या उसका आप चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में चाहते हैं? आपका कहना है इंटरव्यू से संबंधित है जी, इंटरव्यू क्या है आप बताइए। आपने अभी अभी देखा कि ये डी कुछ नौकरियां निकली थी जी, ई ग्रुप में जी, तो शायद 18,000 के करीब है जी, अबाउट 18,000 जी। और आप बता सकते हैं कितने लोग उसमें एग्जाम में गए हैं एग्जाम देने के लिए? उसमें कई लाख लोग थे, करीब करीब 15 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया है जी। अब 15 लाख लोगों का अगर एग्जाम होता है जी, आप उन 15 लाख लोगों में से 18,000 लोगों को चुनने के लिए इंटरव्यू करेंगे जी,
तो कहां जस्टिफिकेशन है, क्या इंटरव्यू कर पाएंगे? 15 लाख लोगों की इंटरव्यू क्या हो सकेगी? चलो मान लेते हैं 15 लाख लोगों से आपने 80% निकाल दिए बाई वे ऑफ मार्क्स वगैरह देखने के, निकाल दिए तो भी 80% निकालने के बाद 15 लाख लोगों में से 3 लाख लोग बचते हैं। 3 लाख लोगों की इंटरव्यू लेने के लिए कितने वर्ष लगेंगे आप समझ सकते हैं? अगर सही मायने में इंटरव्यू लेंगे, किसी की इंटरव्यू लेनी हो तो कम से कम आपको 10 मिनट तो चाहिए, उनकी उम्र निकल जाएगी, 10 मिनट तो चाहिए, तो फिर इंटरव्यू कैसे होगी? इसका मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होती। हजारों हजारों लोगों की नौकरियों के लिए जब बच्चे आते हैं, इंटरव्यू नहीं होती, बस सिर्फ क्या नाम है, कहां से आए हो, ये पूछा और भेज दिया। उससे उसके स्किल का पता चलता है क्या? क्या आप उसके आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने अगर 15 मार्क्स देने हैं या 20 मार्क्स देने हैं, बोर्ड के मेंबरों ने देने हैं या कमेटी ने देने हैं, तो क्या सही मायनों में उन्होंने देखा कि क्या डेप्थ है इसमें, कितना डिजर्व करता है? तो ये एडहॉकिज्म है, डिस्क्रिशनरी पावर है, और डिस्क्रिशनरी पावर जब भी इस्तेमाल की जाती है जी, उसका गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए इसके इसका विरोध हमने किया था कि इंटरव्यू की जरूरत नहीं, जब आप कर ही नहीं सकते इंटरव्यू सही ढंग से। और वैसे भी जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, जो बच्चे में सूझबूझ है, तभी तो अच्छे मार्क्स लेकर आया है। तो इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी जी। और सी और डी के जो ग्रुप के बच्चों की इंटरव्यू खत्म हुई है जी। लेकिन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बच्चों की इंटरव्यू अभी भी ली जा रही है जी। हम तो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये भी खत्म होना चाहिए, देखिए क्या कामयाबी मिलती है, बट वील कंटिन्यू अवर फाइट अगेंस्ट इट। आप एक लड़ाई लड़ने के लिए माने जाते हैं, आपने लड़ाई लड़ी, आप अपने अम्बाला क्षेत्र में ही आपने IMT लाने का आपने प्रयास किया था, कुछ आप नेताओं ने उसका विरोध किया और उस कारण से वो बीच में अधर में लटक गया। आपने यह भी कहा था कि हरियाणा के हर जिले में IMT होना चाहिए, हरियाणा के हर व्यक्ति को रोजगार शायद ये देगा, लेकिन क्या हुआ, क्यों अटका और क्या वजह थी, क्यों नहीं पूरा हो पाया? देखियो, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप जो है IMT, इसके बारे में समझना जरूरी है जी। एक क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार कुछ सुविधाएं देती है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता है कि अगर हम यहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमें बिजली का, पानी का, आवागमन का, सड़कों का अच्छा एक जाल मिलेगा, हम अच्छी इंडस्ट्री चला सकेंगे जी। और अगर वो शहर के नजदीक हो तो उनको लोगों के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सुविधा भी मिलती है। तो ऐसी IMT मानेसर में लगी, गुड़गांव में जी। गुड़गांव आज बहुत डेवलप्ड सिटी है, फरीदाबाद में लगी, रेवाड़ी में लगी, बावल में जी। रोहतक में लगी अभी जी। रोहतक और अम्बाला की IMT इकट्ठी ही पास हुई थी जी। यहां पर सेक्शन 4 के नोटिस भी हुए जी। जमीन अक्वायर करने के लिए जी। कुछ भ्रांतियां पैदा की गई जी। कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए जी। उनके पीछे राजनीतिक कारण क्या थे, मैं आज इसका विश्लेषण नहीं करना चाहता जी। लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर इसको रोकने की कोशिश की गई जी। और 4 के नोटिस के बाद आगे बढ़ा नहीं, IMT नहीं लग पाई जी। हजारों हजारों बच्चों की नौकरी के ऊपर प्रश्न पैदा हो गया जी। जो नौकरियां मिल सकती थी नहीं मिली जी। मेरा ये कहना है कि हर जिले में होनी चाहिए, उसका मकसद यही है कि हर जिले में IMT होगी, क्योंकि देखा गया है कि इस तरफ पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, ये एरिया जो है यहां कहीं भी IMT नहीं लगी। तो ये 40% हरियाणा का हिस्सा है, इसमें कहीं IMT नहीं है, एक ही तरफ लगी है। अगर IMT लगती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, नौकरियां मिलती हैं, तो एक जो हमारा सपना है कि रोजगार हर घर में हो, कुछ हद तक पूरा होता है। चलिए, इससे रोजगार का सपना पूरा होता है। विनोद जी हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। विनोद शर्मा जी हैं
जो एक व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व जो सामाजिक न्याय और बदलाव की बात करते हैं। विनोद जी, एक बार आप पर यह भी कही जाती है कि आपने रोजगार देने के लिए किया कि हरियाणा के हर बच्चे को रोजगार मिले, इसके लिए आपने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए हरियाणा के बच्चों के लिए कि उन्हीं को नौकरी मिले, उनमें एक सीमा तय होनी चाहिए, इसको लेकर भी आपने एक... ये सही सोच है। हरियाणा के बच्चे शिक्षित हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत से बच्चे पढ़ के कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं। उन बच्चों को अगर हरियाणा में नौकरी नहीं मिलेगी तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि हरियाणा में हर घर में रोजगार हो, तो उसके लिए हमें चाहिए कि जहां कहीं भी रोजगार है, जहां कहीं भी प्राइवेट इदारा है, चाहे वो इंडस्ट्री है या कोई दूसरा इदारा है, अगर 75% बच्चों को नौकरी हरियाणा के रहने वालों को मिलेगी तो वाजिब है कि उनको रोजगार मिलेगा। और साथ में इसमें कोई गलत नहीं है, जो बच्चे हरियाणा के नजदीक के हैं वो काम करेंगे, घर आ सकेंगे, और जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको दूर से आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और 75% रिजर्वेशन फॉर द हरियाणवीज इन हरियाणा इंडस्ट्री विच इज पुट इन हरियाणा, हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को 75% नौकरियां हरियाणा में लगी हुई इंडस्ट्री में मिले, ये मेरा मानना है और हमारी मांग भी है, इसमें गलत कुछ नहीं है जी। कि अगर 75% नौकरियां बच्चों को मिले जी, जो हरियाणा से संबंधित हैं, तो कम से कम 5 से 10 लाख नौकरियां हमारे हरियाणा में मिल सकती हैं आज के दिन। 5 से 10 लाख नौकरियां मिल सकती। आप देखिए कितने कितनी जॉब्स हैं, गुड़गांव में हैं, फरीदाबाद में हैं और कहीं भी हैं जी। अगर वो जॉब्स बच्चों को मिलती हैं जी, तो अगर 10 लाख परिवारों को नौकरियां मिल जाती हैं जी, तो हमारा तो काम आसान हो जाता है। कितने परिवार होंगे हमारे, 6,000 से ऊपर हमारे गाँव हैं जी। और अगर 20 लाख परिवार भी हों, 25 लाख परिवार भी हों, 10 लाख कोई नौकरी मिल जाए उन बच्चों को जिनके पास नौकरी नहीं है, तो कम से कम 35-40% कम रोजगार तो लोगों को मिल गया ना उन परिवारों को। और जो सपना हम देखते हैं उसकी शुरुआत जो है अच्छी हो जाएगी और आगे 10 साल में, 5 साल में बहुत परिवारों में नौकरियां मिल सकती है। जिनमें चुनाव हो रहा है, चुनाव में हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है, उसका ये मानना है कि इस चुनाव में जीत हुई तो हरियाणा में विधानसभा में वो परचम लहराएंगे। तो आपका कहना यह है कि किसी पार्टी को दांव नहीं खेलना चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा कहना है आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए तो चुनाव के नजरिए से देखते हैं जी। ये बाई इलेक्शन है जी। और बाई इलेक्शन में जोर बहुत लगता है जी। हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को बड़े अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को उतारती है जी। और क्योंकि चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव बहुत नजदीक है जी। और कह नहीं सकते, पार्लियामेंट के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं जी। कोई मेरा मानना है कि हो सकते हैं जी। नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव का दौर है। ऐसे दौर में जी, हर राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि उसका उम्मीदवार जीते ताकि आने वाले चुनाव पे उसका असर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी दावा किया कि हमने सारे नगर निगम चुनाव जीते हैं और इसके जीतने के बाद में हम वो सुनिश्चित हैं कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ उन्हीं का परचम लहराएगा। ऐसी स्थिति में आप भी एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या नजरिए से देखते हैं, क्या ऐसा संभव है कि नगर निगम के चुनाव डिसाइड करें? ये सच्चाई है कि 5 कॉरपोरेशन के चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये भी सही है कि दूसरी पार्टियों ने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था जी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी पार्टी हारी है जी। ये सही है कि बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं जी। और ये भी सही है कि अच्छे मतों से भी जीते हैं जी। लेकिन कभी भी कॉरपोरेशन के चुनाव को विधानसभा लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मुझे यहां तक याद है कि दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव
और पार्लियामेंट के चुनाव और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग थे। जी। शायद दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव जब हुए थे जी। तो नतीजे अलग थे जी। दूसरी पार्टी के लिए थे जी। और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो दूसरी पार्टी के लिए थे। तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे ही आगे विधानसभा के चुनाव में आते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का मन किस तरफ है, ये आने वाले समय पर निर्भर करता है। मनोज जी, एक चीज का कयास हरियाणा में लगते हैं, तमाम सारे लोग तमाम बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि आप इनेलो में जा रहे हैं, कुछ कहते हैं आप कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या है असल में, क्या है? अब कौन से लोग कहते हैं आप बता दीजिए तो मैं सही से जवाब दूं। ये आपके मन की बात है या आप दूसरों की कही हुई बात कर रहे हैं, पहले ये बताएं, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। लेकिन आपने ये प्रश्न अपने मन से बनाया है या किसी ने कहा है? आप नहीं, मन से नहीं बनाया, चूंकि पार्टियों में चर्चाएं होती हैं, मैंने उस चर्चा पे आपसे पूछा है। देखो, राजनीति जीवन में चर्चाएं होती हैं जी। और हर चर्चा सच्चाई की चर्चा नहीं होती जी। और हर चर्चा का के बारे में अपना टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होता है जी। किसी पार्टी में जाने का या ना जाने का फैसला तो अभी कोई किया नहीं गया जी। और हालात भी ऐसे हैं कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है जी। हम देखेंगे जी। कि किस तरह से लोगों की आस्था है, कैसे है, कौन सी नीतियां किसी पार्टी ने बनाई हैं। अगर हमारे जो मुद्दे हैं जी। उन मुद्दों के साथ साथ किसी पार्टी के विचार हैं जी। तो बात को सोचा जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है। आपने हरियाणा जनचेतना पार्टी के बैनर तले अभी रोजगार रैली की, दूसरी और चीजों को लेकर के आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप हरियाणा जनचेतना पार्टी को अब फिर से एक बार सियासी तौर पे मजबूत करके और फिर मैदान में उतरने के इरादे से हैं? कोई भी राजनीतिक पार्टी मजबूत तभी होती है जब लोग उसके साथ हों जी। मेरे करने से नहीं होता जी, कार्यकर्ताओं से होता है, आपके विचारों से होता है, आपकी नीतियों से होता है जी। अगर आपकी नीतियां सही हैं तो लोगों का विश्वास आपकी नीतियों में होता है जी। तो हम तो जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जी। वो एक ही रास्ता है जी। कि कैसे लोगों की भलाई के लिए ऐसी नीतियों का समर्थन किया जाए जी। या फिर नीतियां बनवाने के लिए संघर्ष किया जाए जिससे कि आम आदमी को, गरीब आदमी को, हरियाणा के हर निवासी को फायदा हो, हरियाणा के हर निवासी को फायदा हो। विनोद जी का ये कहना है, आज गठबंधन की राजनीति चल पड़ी है, इनेलो ने बसपा से गठबंधन कर लिया, जजपा जो है आम आदमी पार्टी के करीब जा रही है, ऐसे ही करके लगातार गठबंधन का दौर चल रहा है। तो गठबंधन की जो राजनीति है, एक तरफ महागठबंधन और मोदी की लड़ाई हो रही है, तो ये गठबंधन की राजनीति कितनी हितकर है किसी राज्य के लिए या राजनीति के लिए? गठबंधन या महागठबंधन जो है, ये राजनीतिक मजबूरियां हैं। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या अपने विरोधी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप दूसरी उन पार्टियों के साथ मिलना चाहते हैं जो पार्टियां सम विचारिक हों, एक ही विचारों की पार्टी हो तो मिल जाते हैं, या फिर कोई चार पार्टियां ऐसी हों जो एक पार्टी के खिलाफ हैं तो वो चार पार्टियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर महज जीतने की नजरिए से गठबंधन होता है तो लोग उसको देख लेते हैं जी। अगर गठबंधन किसी विषय के बारे में है, किसी मुद्दे के बारे में है, आप मिलकर एक लड़ाई लड़ना चाहते हो, जो लड़ाई लोगों की लड़ाई है जी, तो वो गठबंधन चल सकता है। अगर गठबंधन सिर्फ आप जीतने के विचार से या राजनीतिक लाभ लेने के विचार से बनाते हैं, उसका उतना फायदा नहीं होता। विनोद जी का कहना है कि गठबंधन जनता के हित में, जनता की लड़ाई के लिए किया जाता है तो बेहतरीन होता है, यदि उससे इतर होता है, सिर्फ स्वार्थ होते हैं सत्ता पाने के, तो वह गलत होता है। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे थे हरियाणा के कद्दावर सियासी व्यक्तित्व विनोद शर्मा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में, नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।